एक नई खबर के साथ, एक अपडेटेड खबर के साथ जो जुड़ी है दिल्ली मेयर चुनाव से। दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह कि 16 फरवरी की तारीख मुकम्मल हो गई है एमसीडी मेयर चुनाव के लिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। चौथी बार मेयर चुनाव की तारीख आई है। 3 बार हंगामे की वजह से चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन अब जो तारीख एमसीडी ने प्रस्तावित की थी केजरीवाल सरकार के सामने, उसे केजरीवाल सरकार ने मंजूर किया और फिर केजरीवाल सरकार ने उस तारीख को जब मंजूर किया और वो प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा तो एलजीबी के सक्सेना ने भी उस तारीख पर मुहर लगा दी है, स्वीकार कर लिया है 16 फरवरी की तारीख को। तो अब कोई संशय कोई शंका नहीं रह गई है, अब 16 फरवरी को ही मेयर का चुनाव होगा। हालांकि मेयर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। और इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, मैं ये समझना चाहता हूं कि 13 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का असर भी इस तारीख पर पड़ सकता है, क्योंकि एमसीडी चाहती थी कि 16 फरवरी को चुनाव हो, केजरीवाल सरकार ने भी इस पर मुहर लगाई, अब उपराज्यपाल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस तारीख पर कोई असर डालेगी क्या? देखिए हार्दिक, सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होगी तो सभी पक्षों को सुना जाएगा और जब सभी पक्षों को सुना जाएगा तो स्वाभाविक है कि 16 फरवरी को जो चुनाव होना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर सैली ओब्राय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि अगर हम पूरे मामले की सुनवाई करेंगे तो जो 6 फरवरी की तारीख चुनाव के लिए मुकर्रर की गई है उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें सभी पक्षों के बयान लेने होंगे, सभी पक्षों को सुनना होगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। और ऐसे में अब 16 फरवरी की तारीख चौथी बार मुकर्रर की गई है चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और सभी चारों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज करके ये कहा है कि वो 13 फरवरी तक अपने जवाब सुप्रीम कोर्ट को दें और बताएं कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। कल सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तब स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार 16 फरवरी को चुनाव होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने के लिए और वक्त लेगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाती है या कोई निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन भी आम आदमी पार्टी और सभी दल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज एलजी साहब ने इस तारीख को सहमति दी है उससे एक बात तो साफ हो गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देता है तो 16 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से 6 जनवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ, जिस तरीके से 24 जनवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ और जिस तरीके से तीसरी बार 6 फरवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है, उसको लेकर के क्या चौथी बार भी इसी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा या फिर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होगा? क्योंकि सवाल दो बड़े हैं। पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने तीनों चुनावों को एक साथ कराने की बात कही है उसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है और यही वजह है कि इस विरोध को लेकर के उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो मनोनीत पार्षद है उन्हें वोटिंग का अधिकार देने की बात कही गई है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बार अपना जो पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट में रखा है और याचिका को वापस लेने के मूड में आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करता है और अगली तारीख देता है तो ऐसे में क्या जो चुनाव है वो बाधित तो नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही आम आदमी पार्टी काम करेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर सैली ओब्राय और जो वरिष्ठ पार्षद हैं मुकेश गोयल उनका कहना है। लेकिन बलराम, यहाँ पर कानूनी पेश तो यही फंसता है कि एल्डरमैन को वोट करने का अधिकार है या फिर नहीं, ये फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट के हक में ही, मतलब कह सकते हैं कि ये फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ही लेगा, इस पर अब कोई राजनीतिक मुद्दा रह नहीं गया है। लेकिन केवल ये एक मामला तो है नहीं जिसके ऊपर हंगामा होता है, हंगामा तो 10 चीज़ों को लेकर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट
राजनीतिक सुलह तो नहीं करवा सकता ना दो पार्टियों के बीच? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यही कह सकता है कि जो संविधान में लिखा है, जो डीएमसी एक्ट में लिखा है, उसी के आधार पर मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डीएमसी एक्ट में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार है, आम आदमी पार्टी कहती है कि डीएमसी एक्ट में वोटिंग का अधिकार मनोनीत पार्षदों को नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डीएमसी एक्ट में तीनों चुनाव एक साथ कराने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि डीएमसी एक्ट में सिर्फ जो पीठासीन अधिकारी है उसे मेयर चुनाव संपन्न कराने का अधिकार है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार दोनों तो पक्ष से जारी है। डीएमसी एक्ट की कॉपी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है? देखिए, सबको पता है कि एक्ट में क्या है, डीएमसी एक्ट में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जब संविधान को देखा जाएगा, जब डीएमसी एक्ट को देखा जाएगा, तब साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन आरोप लगा रहा है, कौन आरोपों से बचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि डीएमसी एक्ट में यह भी लिखा हो कि मेयर का चुनाव संपन्न कराने के लिए मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि उन्हें अधिकार नहीं है, बात एक ही लिखी होगी। तो अब कौन सी बात डीएमसी एक्ट में लिखी है और किस संविधान के तहत लिखी है, यह तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ लेकिन हो जाएगा। सवाल जिसका तस है कि सुप्रीम कोर्ट ये बता देगा कि कानून क्या कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बता सकता कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा पार्षद किस दिन कुर्सी पर खड़ा हुआ, या ये नहीं बता सकता कि आम आदमी पार्टी के कौन से पार्षद ने किस दिन नारेबाजी किया, हंगामा किया। ये हंगामा सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता, इन लोगों के मुखर होते स्वरों को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता। तो राजनीति तो इस मुद्दे पर होती रहेगी, देखना बस ये होगा कि 16 फरवरी को भी दिल्ली को मेयर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आप मेरे साथ बने रहिए, फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अडानी के मुद्दे पर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है, सियासत लगातार तेज हो रही है और आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। थोड़ी ही देर बाद आम आदमी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। हम आपको अपडेट देंगे इस पूरे मुद्दे पर, आपको तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी क्योंकि ये तस्वीरें आएंगी सीधे बीजेपी मुख्यालय से। आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है और अडानी प्रकरण को लेकर जेपीसी जांच की मांग करने वाली है। और दिल्ली से मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे इसी प्रदर्शन को लेकर, यहां पर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जेपीसी जांच की मांग जो है वो विपक्ष की ओर से लगातार हो रही है, लेकिन अगर जेपीसी जांच हो भी जाती है तो कौन सा विपक्ष इन जांच समितियों के फैसले को मानने वाला है, क्या मानेगा या नहीं मानेगा, क्या लगता है? और आज के प्रदर्शन में क्या अलग देखने को मिल सकता है, क्या यह प्रदर्शन थोड़ा उग्र होगा, क्या पुलिस बल वहां पर तैनात हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हालात हैं आज ग्राउंड पर? देखिए हार्दिक, इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर यह प्रदर्शन होना है। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी इस प्रदर्शन को लेकर के की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मंच तैयार किया गया है और इसी मंच पर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गोपाल राय और दिल्ली सरकार में वो मंत्री भी हैं, वो यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। और ये जो प्रदर्शन है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर होगा और यहीं से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ रुख करेंगे। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और यहीं से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गोपाल राय के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय तक जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें यहीं पर रोका जाए, वो बीजेपी मुख्यालय तक ना पहुंच पाए। क्योंकि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। लेकिन हार्दिक, अब संसद से ये मामला निकलकर सड़क तक आ गया है और सड़क पर आज आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उतरकर
अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रोटेस्ट करेंगे। और आपको बता दें ये आज प्रोटेस्ट दिल्ली में है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ये जो प्रदर्शन है वो पूरे देश में आम आदमी पार्टी करेगी। इसका ऐलान आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं गोपाल राय, उन्होंने कर दी है। और यही वजह है कि इस प्रदर्शन में जुड़ने के लिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। समय सुबह 11 बजे का तय हुआ था, इस वक्त मैं देख पा रहा हूं 11:10 हो चुके हैं, तो कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी कार्यालय जहां से ये शुरू होने वाला है प्रदर्शन, वहां से लेकर बीजेपी कार्यालय की दूरी कितनी है, कितना समय लगेगा इन लोगों को पहुंचने में, कितने लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं वहां पर, संख्या बल कितना है? देखिए हार्दिक, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो करीब 200 से 250 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और अगर हम आम आदमी पार्टी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की दूरी की बात करें तो करीब 800 से 900 मीटर की दूरी है, लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा घेरा तैयार कर रखा। ठीक सामने आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। और ठीक सामने आप देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और कुछ ही देर में ये रास्ता जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रास्ता सीधे बीजेपी मुख्यालय के लिए जाता है। और ठीक सामने आप देखिए बीजेपी का मुख्यालय है और यहीं पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे ना बढ़ पाए और उन्हें यहीं पर रोका जाए। हालांकि कुछ बसें भी पहले से दिल्ली पुलिस ने मंगा करके खड़ी कर रखी हैं, अगर प्रदर्शन उग्र होता है तो कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लेने की तैयारी की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तैयारी कर रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो प्रदर्शन होता है वो किस तरीके का होता है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होता है या फिर उग्र होता है। हालांकि हर तरीके की तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और मांग करेंगे कि अडानी के खिलाफ जांच हो और जांच में जो भी तथ्य निकल के आए उसी के आधार पर कार्रवाई हो। और इस मांग को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सड़कों पर उतरेंगे। जी ठीक है बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे ही प्रदर्शन शुरू होगा अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे।